उमर साहब एनआईए कोर्ट में यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया है। यार तू क्या कर रहा है यार, बार बार मैं अपने यहाँ जो शहर के साथ 5-7 मिनट गुजारने आया हूँ और कोई मकसद नहीं में टारगेट किलिंग हो रही है। जहाँ तक कश्मीर की टारगेटेड किलिंग भाई हाथ पीछे करो वरुण जी, अफसोस इसलिए बेगुनाह लोग जो है इस तरह लगातार एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज की किलिंग्स हो रही है, पुलिस में जो काम करने वाले हैं उनकी किलिंग्स हो रही है, सिविलियंस जो है चाहे क्रॉस फायर में या टारगेटेड किलिंग्स के जरिए उनकी मौत हो रही है। हमें तो कहा गया था 2-2.5 साल पहले कि कश्मीर, खासकर कश्मीर की तमाम परेशानियों की वजह जो है वो 370 है और 370 के हटते ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो है अलायदगी सोच रखने वाले हैं और अगर ये हट गया, दफा हट गया तो ना यहाँ बंदूक रहेगी ना अलायदगी सोच रखने वाले लोग जो है वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई, जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। उन इलाकों से जहां से मिलिटेंसी का हमने सफाया किया था, खासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, कुछ नॉर्थ कश्मीर का, उन इलाकों में दोबारा से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। अब तो श्रीनगर में अपटाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते तो बाकी जगहों की बात ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत के करने में और कहने में काफी फर्क रहा है और हालात जो है वो दिन ब दिन और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। उमर साहब, क्या वाकई में कश्मीर फाइल्स मूवी बनने के बाद जो है वो इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं? कश्मीर फाइल से पहले भी ये घटनाएं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मूवी के बाद ये घटनाएं जो है ये शुरू हुई। टारगेटेड किलिंग का सिलसिला जो है मूवी से पहले हुई। अगर आप देखें जो चाहे वो हमारे बिंद्रू जी थे जो केमिस्ट की दुकान पे मारे गए, या हमारे ये ढाबा जो है कृष्णा ढाबा बर्नहॉल के पास, उनके जो मालिक हैं उनकी किलिंग, उनकी उनके ऊपर जब टारगेट हमला हुआ तो पिक्चर से पहले हुआ। तो ये कहना कि इन किलिंग्स का सिलसिला मूवी के बाद शुरू हुआ ये गलत है, लेकिन मूवी ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। कुछ लोग जो हैं माहौल बना सकते हैं, कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। इस फिल्म ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। रोल मतलब कितना माहौल बिगाड़ा है वो फैसला आपको खुद करना है। सर, यहां पर जम्मू के अंदर जो ऑफिसर को लेकर लिमिटेशन रिपोर्ट जैसा ही है, आप तमाम पार्टी जो है उसका विरोध कर रही है, कह रही है भारतीय जनता पार्टी की ये रिपोर्ट है, 1-6 सीटें जम्मू संभाग में, 1 सीट कश्मीर में, इस वजह से इसका विरोध किया जा रहा है? सिर्फ इस वजह से नहीं, हालांकि ये भी एक बहुत बड़े वजह है। आबादी के बुनियाद पे सीटों का फैसला होता है, या तो वो इंतजार करते अभी के सेंसिस का, 2020 के सेंसिस का, और फिर आबादी देख के सीटों का बंटवारा करते, लेकिन उन्होंने 2010 का सेंसिस दिया। आप 2010 के आंकड़े ले लीजिए, उसमें देख लीजिए
कश्मीर और जम्मू में आबादी में फर्क कितना है, और फिर देख लीजिए क्या ये 6-1 का फैसला ये सही है या गलत है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर जिस तरह इन्होंने सीटों का जो है डिमार्केशन की है, जिस तरह इन्होंने इलाकों को काटा है और जोड़ा है, इसमें ना सीधा सीधा जो है एक पार्टी को और कश्मीर में उनके कुछ सहयोगी दल जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया है। अब आप मिसाल के तौर पर इन्होंने जम्मू पार्लियामानी सीट में से रजौरी पूंछ का इलाका काट दिया, लेकिन वहां पे भी इन्होंने थोड़ा सा फर्क किया। अब कालाकोट का इलाका जो है, कालाकोट सुंदरबनी, वो काट के जम्मू के साथ रखा, लेकिन नौशहरा का इलाका जो जम्मू से थोड़ा ज्यादा करीब बनता है उसको अनंतनाग के साथ रखा। अब मुझे समझा दीजिए क्यों, अगर कालाकोट और सुंदरबनी को जम्मू के साथ रखना था तो फिर नौशहरा को रखना था, और अगर नौशहरा का अनंतनाग के साथ बनता था तो फिर सुंदरबनी कालाकोट का क्यों नहीं। जिलों में इन्होंने इस तरह फर्क किया और यही सब जगह यही हाल है। तभी तो जाके कहते हैं ना कि ये रिपोर्ट जो बनी इसमें ग्राउंड रियलिटी को देख के नहीं बनाई नहीं गई, इसमें कुछ पॉलिटिकल वजूहात के बुनियाद पे ये रिपोर्ट तैयार की। मतलब जम्मू में लाउड स्पीकर को लेकर भी देखा जा रहा है, आपका लगता है कि लाउड स्पीकर को कोई धार्मिक रंग देना चाहिए जो लाउड स्पीकर को लेकर फैसला लिया गया? मैं अभी घूम के आया हूँ, लाउड स्पीकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, और लाउड स्पीकर पे रोक लगाने से हर मजहब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना आपके, कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो सही हो। अब मिसाल के तौर पर मुसलमानों के लिए आजान जरूरी है, आप सिर्फ फिर आजान पे ही रख लीजिए और उसकी वॉल्यूम पे पाबंदी लगाइए। हमारे तो मैं अभी जैसे मैंने कहा मैं पूरा रजौरी पूंछ का दौरा करके आया हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही मजहब के लोग जो है लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मजहब के लोग जो है, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ लाउड स्पीकर है। तो अगर लाउड स्पीकर का बैन लगा तो जाहिर सी बात है हर मजहब के लोगों के जज्बात पे जो है उसका असर पड़ेगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले, अगर बैन के बजाय आप लोगों को बुलाइए, उनसे मशवरा करिए और कोई इस तरह का रास्ता निकाल लीजिए जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ भी ना हो। कश्मीर में नॉर्मल सी है, 125 फ्लाइटें डेली जा रही हैं। एक सवाल ये कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन यहाँ असेंबली इलेक्शन करवा सकता है इन हालात में, क्योंकि मुझे कोई एतराज नहीं है, गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज्यादा बदतर हालत है, अगर वो ये मानने के लिए तैयार है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है ना वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके, ना वो असेंबली के करा सके ना वो पार्लियामेंट के करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज्यादा बदतर हालत है, अगर वो ये मानने के लिए तैयार है मुझे कोई एतराज नहीं है। भाजपा कह रही है उमर साहब का जो इश्यू बना है वाराणसी में, जो मस्जिद मंदिर का इश्यू बना है, आपको लगता है कि इस मंदिर मस्जिद के अराउंड ही, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, बाकी चीजें, प्राइस राइज का है, कि आपको लगता है कि डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? जाहिर सी बात है, हालांकि जहां तक मुझे याद है अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीजों पर फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे और जिन चीजों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो है विवाद पैदा किए जा रहे हैं, और ये लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो खराब होते हुए नजर आ रही है, ये उस चीज से डाइवर्जन की बात है। सज्जाद लोन कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित की मृत्यु होती है तो मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ ना, मैं नहीं जानता हूँ, वो बेहतर जानते हैं उमर साहब इस पानी के रंग का। भाजपा कह रही है कश्मीर में नॉर्मलसी है, भाजपा कह रही है कश्मीर में नॉर्मलसी, 125 फ्लाइटें डेली जा रही है, स्टोन बेल्टिंग जीरो हो चुकी है। क्या 125 फ्लाइटें डेली जा रही है कश्मीर में? 125 फ्लाइटों की तो कोई ताकत है नहीं एयरपोर्ट में,
स्टोन पेल्टिंग तो चलिए ना, बीच बीच में स्टोन पेल्टिंग तो हम लोगों ने भी बंद करा दी थी, लेकिन हालात अगर हमको इन हालात में नॉर्मल सी नजर आ रही है, जहां सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तर में टेबल के पीछे बैठे गोलियों का शिकार हो, या पुलिस का जवान घर बैठे बैठे गोलियों का शिकार हो, या इसी तरह और जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, अगर ये नॉर्मल सी का एक नया रूप नजर आ रहा है तो मैं इसमें कुछ कहने से इतना जरूर कहूंगा कि फ्लाइट्स और टूरिज्म जो है वो नॉर्मल सी नहीं है। नॉर्मल सी ये है कि खौफ ना रहे, डर ना रहे, कश्मीरी हमारे पंडित जो है वहां से भागे ना, वो तो सब नौकरी छोड़ के भागने के लिए तैयार है, क्या ये नॉर्मल सी है? मजबूरन इंसाफ हासिल करने के लिए वो पीएचईडी के लीडरों से मिले, पीएचईडी के लीडर फिर गवर्नर साहब के पास गए कि किसी तरह ये जो कश्मीरी पंडितों का दोबारा कश्मीर छोड़ के भागने का प्रोग्राम बन रहा है इस पर रोक लगे, ये नॉर्मल सी नहीं है। इसी पर आस्था यार आस्था।